गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज मैंने सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी किचन की सफाई करूँ, तो मैंने ये जो निकाले थे इडली का कुकर, कल मैंने इडली बनाई थी शाम को बच्चों के लिए, तो वो सब मैंने धुल के रखा है साफ़ करके। और मैं सोच रही हूँ सामने जो ओवन है ना, ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया, ये कर दूँ। वैसे ओवन की सफाई कायदे से आपको वैसे करनी चाहिए, उसमें के अंदर नींबू वगैरह रख के, और जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ओवन की, तब मैं वो वैसे ही करती हूँ। उसमें आप नींबू रख दीजिए या नींबू का पानी रख दीजिए, उसके बाद आप उसको 10 या 20 सेकंड के लिए चला दीजिए, वो अंदर जो मॉइस्चर हो जाता है स्टीम की वजह से, उस फिर साफ़ करिए तो साफ़ होता है। बट अभी मैं ऐसे ही कर दूँगी क्योंकि आज सुबह बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, तो मैंने वो सब समेटा है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही ऊपर से कर दूँगी। फिर एक दिन मैं इसको पीछे पूरा निकाल के, ये रैक निकाल के इसके पीछे साफ़ करना है। आज मैंने ये गैस के ऊपर वगैरह भी पूरी जितनी टाइल्स थी उन सबको भी साफ़ किया है, तो मैंने कहा बस बहुत हो गया, अब मैं थक गई हूँ। और इसमें ये जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है, आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा। ये मेरा जो चॉपिंग बोर्ड का जो कवर है ना, वो निकल रहा है, पता नहीं क्यों निकल रहा है, जबकि हमने उसको कहाँ से लिया था, होम सेंटर से ही लिया था, तो काफ़ी अच्छी थी, बट देन ऑल्सो वो पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसकी रैक वैक निकाल के ये पूरा ऐसे साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा फर्नीचर भी जो नीचे है इसकी भी क्या है, मेरे को जितनी भी बास्केट है ना वो निकाल के साफ़ करना है, पर बास्केट मेरे से निकल नहीं पा रही है, वो प्रॉपर स्क्रू लगा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पूछूंगी। और इधर ये देव आ गए थे, देव कुछ मांग रहे थे मेरे से, तो मैंने कहा बाद में करती हूँ। तो ये देखिए, इधर मैंने सोच रही थोड़ा सा जितनी मतलब जो छींटे वगैरह एटलीस्ट वो पड़ती रहती हैं, तो वो सब साफ़ हो जाएँ, उसके बाद मैं कभी पूरा और अच्छे से करूँगी। एक साथ आप किचन का काम बहुत फैलाओगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो चलिए लगभग ये फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और आप लोग ने देख ही लिया है आज, पूरा नहीं देखा है, थोड़ी मैंने किचन की सफाई करी है। एक एक मैं एक ही सेक्शन सेलेक्ट करती हूँ, मैं एक साथ नहीं बहुत सारा करती हूँ, नहीं तो बहुत ही हैक्टिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाता है। ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है और मुझे देखो ये पिंपल भी हो गया है गर्मी की वजह से, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली ह्यूमिडिटी टाइप की हो रही है। तो कुछ सेक्शन मैंने आज साफ़ किया है इसका, किचन का, और कुछ सेक्शन मैंने साफ़ किया है अपनी अलमारी का। अलमारी का इन द सेंस कि जैसे हमें को लग रहा है कि जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को अब कहीं बाहर ज़्यादा आना जाना तो है नहीं, तो मैंने ना कुछ अलग अलग करके रख दिए कपड़े, जैसे जो थोड़े पार्टी वियर या इस टाइप के थे, तो मैंने उनका पूरा अलग सेक्शन बना के रख दिया है। तो उसमें भी मैंने ना एक ही रैक छुई है भैया, इतना नहीं है, वो छुओ फिर और फिर पता चला सब फैल जाता है। तो यही करने में करीब मेरे को सुबह से ना 2 घंटे लग गए, वो प्रॉपर शायद वीडियो में छोटी सी क्लिप देखने से ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, एकदम फ्रीक्वेंट हो गया, बट ऐसा नहीं है। और आज मेरे को फिर से जब मैंने ये अपनी अलमारी की सफाई करी, तो मेरे को बहुत यूज़फुल चीज़ लगी। ये मैंने और निलय ने 99 स्टोर्स जो होता है उससे लिया था, और हमें कभी नहीं मतलब हम नेवर एक्सपेक्टेड कि ये जो अभी सिनारियो चल रहा है, जो अभी मतलब हालात चल रहे हैं उसकी, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोगों ने ये लिया था, ये एक किट थी, और ये आप देख सकते हो ये जस्ट 99 रुपीज़ की है। और ये हम लोगों ने ली थी सिर्फ इसलिए कि जैसे हम लोग बाहर घूमने घूमने जाते हैं वेकेशंस पे, तो कुछ अपने हम इस ट्रैवल बैग में ऐसा कैरी कर लेंगे इसको। ये आज तक अभी खुली भी नहीं है, पता है, ये देखो आप इसमें अगर देखोगे, और इसको 2 साल हो गया है हमें लिए हुए, और इसकी ये सील भी नहीं खुली। अगर इसको ऐसे हाँ ये देखिए ऐसे तोड़ के खुलेगी, फिर इसकी ये जिप है, और ये बहुत ही अच्छी जिप है, जिपर बैग है, तो ये खोलेंगे। इसमें ये कॉम्बो मिला था हमें 99 रुपीज़ का, तो इसमें ये 3 बॉटल्स थी छोटी छोटी, हम लोगों ने स्पेशली इसीलिए लिया था कि जैसे पर्स वगैरह में देखिए हम लोग के पास चीज़ें होती हैं, बट वो हम लोग के यूज़ के लिए होती हैं, बट बच्चों के साथ ट्रैवल करने में आपको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो स्पेशली हम लोगों ने ये 3 बॉटल्स ली थी, इस पूरा कॉम्बो। और आजकल के उसमें तो ये ज़रूर रखना चाहिए, मीन्स अपने बैग में होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा था शायद, अब मैं आपके सामने खोली हूँ, तो इसमें आप जैसे कुछ भी अपना कैरी कर सकते हैं, जो भी है बॉटल है एकदम। और ये है एक छोटा सा स्प्रे, ये देखिए आप ऐसे करेंगे तो मीन्स इसमें क्या है, आप खोलो आपको जो भी भरना है, तो इस टाइम तो आप आराम से सैनिटाइज़र या जो भी मीन्स आपको कैरी करना है आप कैरी करके ले सकते हो। तो ये एक छोटा सा था, और ये एक है हैंड वॉश वगैरह, अगर आपको छोटा सा करना है कैरी करना है तो वो भी है। तो ये देखिए ये भी खुल जाता है पूरा। तो आज जब मैंने ये साफ़ की ना पूरी अपनी अलमारी, तो मेरे को ये मिला, मेरे को लगा कि जब निलय आएंगे ना तो इस बार मैं उनको ये दे दूँगी, क्योंकि जैसे ऑफिस वगैरह जब अभी जाएंगे, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट कभी जाएंगे तो जैसे लैपटॉप बैग वगैरह में डाल लो अब तो अच्छा रहता है। तो ये मेरे को ना आज बहुत ही, कभी कभी कुछ चीज़ें होती ना, मैं अक्सर आपको मैंने एक वीडियो और डाला था, उसमें बोला था आपको कि
हम लोग खुद इतना संभाल के चीज़ें रखते हैं कि हम खुद ही भूल जाते हैं हमारे पास ये चीज़ है, और ये मेरे को शायद 2.5 या 3 साल बाद मिली है। मतलब मेरे को बहुत ही एकदम खुशी हो गई कि अरे वाह ये क्या क्या मिल गया मेरे को, क्योंकि मैं भी कभी कहीं अभी जाऊँ या बच्चों को लेके या घूमने नहीं, बहुत सारे तब भी काम होते हैं, तो कम से कम आराम से हम कुछ कैरी कर सकते हैं। तो चलिए बनाती हूँ खाना, और खाना में आज मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी कढ़ी। मेरे को ना वो कढ़ी पकौड़ा, या कुछ लोग पकौड़ा कढ़ी कहते हैं या कुछ लोग पंजाबी कढ़ी कहते हैं कुछ भी, तो वो मेरे को बहुत आजकल पसंद आती है, तो मेरा वो मन कर रहा है मैं वो बनाऊँगी। और फिर चलिए खाना वाना बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो इधर मैंने स्टार्ट कर दिया है पकौड़े बनाना अपने, और ये थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें गाजर नहीं, थोड़ी सी पालक डाली, पालक मेरे पास बहुत ही कम थी पर मैंने थोड़ी सी डाली, और इसमें मैंने डाला है प्याज मिर्ची, और मतलब मीन्स जैसे नॉर्मल आप भजिए टाइप के पकौड़े बनाते हैं ना वैसे इसके पकौड़े बनाइए, बट भजिए ना थोड़े से आप पतले रखते हो, तो इसको ज़्यादा पतले नहीं रखिए, नहीं तो फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फिर वो घुल जाता है, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा थिकी रखती हूँ। और इस टाइम किचन में काम करना, मतलब मेरे तो 2-3 पेयर कपड़े ही बदल जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है मुझे, इतना पसीना आता है, मैं जल्दी से फिर चेंज कर देती हूँ, नहीं बस बहुत हो गया। तो ये देखिए अभी भी मैं उसको तल ली हूँ। उधर आप साइड में देख रहे होंगे थाली में मेरा बेसन रखा हुआ है, वो मैं उसमें डालूंगी जो कढ़ी घोल के करूंगी। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ थाली में या भगोने में ही जो बेसन और मट्ठा या दही है उसको मैं एक साथ घोलूं। और बना रही हूँ एकदम पकौड़े वाली कढ़ी जो थोड़ी पंजाबी स्टाइल में होती है ना, एकदम एग्जैक्टली तो शायद नहीं बना पाऊंगी लेकिन बना लेती हूँ। तो जो इसमें बस क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग क्या जैसे जो नॉर्मल हम लोग क्या कढ़ी बनती है वो नॉर्मल बेसन से, और मतलब जीरा अजवाइन और जो भी डालना है आपको मेथी वैसी वो बनती है। उसमें क्या इसमें क्या होता है जो पंजाबी वाली स्टाइल में होता है, जो थोड़ा सा आप मतलब सब्जियों वाली पकौड़ी बनाइए, तो मैंने वैसे ही बनाया, मैंने सब कुछ डाल दिया उसमें, थोड़ी सी पालक रखी थी, प्याज डाल दिया है, सब इस टाइप की मतलब सिंपल पकौड़ी थी। और इसका जो तड़का है ना उसको थोड़ा स्ट्रांग लगाइए, और जैसे हम लोग जैसे तड़का लगाते हैं वो सिंपल जो लाल मिर्च होती है ना और सूखी वाली वो लगाते हैं, मेथी डाई जीरा हींग इससे, पर इसमें क्या होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्याज टमाटर डालिए, तो मेरे को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए एकदम ऐसे आप ज़्यादा से वो तैयार करिए, और इसमें मैंने 2 ही ये डाले हैं जो लाल वाले सूखे मिर्च होते हैं, ये देखिए, क्योंकि बच्चे ना नहीं फिर खा पाएंगे ज़्यादा वो हो गया तो। और इसमें मैंने ऐड किया है ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है कड़ी पत्ता, तो इससे ना ज़्यादा टेस्ट बहुत आता है। और इसको एकदम अच्छे से कर लेना है, ये बहुत अच्छे से पक जाए तब हमारे कढ़ी में करें। और इधर आप ये देख सकते हो ये जो कढ़ी है हमारी एकदम अच्छे से फूल गई है, और एकदम जो पकौड़े हैं ना वो मैंने बड़े बड़े डाले हैं। और ये देखिए जो तड़का है ये ऊपर से आप ऐसे डालिए, आज तो थोड़ा सा तेल कम है क्योंकि मैं तेल थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, और ऐसे आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सा तेल रखेंगे और फिर इसको करें, बहुत अच्छी स्मेल और बहुत सबको पसंद आता है, लिटरली आप घर पे कभी ट्राई करिएगा, नॉर्मल कढ़ी तो सब लोग खाते ही। और चलिए सेक लेते हैं रोटी। रोटी बनाना भी ना एक बहुत ही, मैंने आपसे कई बार बोला है, एकदम ट्रिक टाइप की होती है, ट्रिक कुछ नहीं होती, आटा थोड़ा पहले से आप गूंद के रख दीजिए तो सॉफ्ट हो जाता है, और फिर आप रोटी सेकिए तो अच्छी खासी फूलती है। और चलो बच्चों को लगाते हैं खाना। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब कुछ हो गया है, अब बज रहे हैं करीब 2:00 PM, और मैं बच्चों को जा रही हूँ सुलाने, क्योंकि अगर इन्हें नहीं सुलाया ना तो ये बहुत उधम करते रहते हैं, और सबसे पहले उसके लिए आपको करनी पड़ेगी लाइट बंद। दोनों लेट गए हैं लेकिन वो पता है मैं वीडियो ऐसे बना रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ना तो दोनों सुन रहे हैं, तो बंद करते हैं लाइट और इन दोनों को सुला देते हैं, फिर मिलूँगी मैं आपसे शाम को और कल। आप एकदम फिर से मैं बोलूँगी आप सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, और आपको ये मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग कैसे लगते हैं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी मेरे को बताइए। और ये देखिए मैं बोल रही थी ना आपसे, ये देखिए देव खड़े हो गए यहाँ के, कितने से दिखाऊँ मैं देव, चलो। तो ये देखिए
तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, लव यू।